किरण सिंह, मैं सीनियर नेफ्रोलॉजिस्ट इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा किडनी की परमानेंट खराबी के बाद क्या क्या इलाज होते हैं। इलाज दो ही होते हैं, एक डायलिसिस होती है और दूसरा होता है किडनी प्रत्यारोपण, जिसको हम लोग किडनी ट्रांसप्लांटेशन बोलते हैं। डायलिसिस दो तरह की होती है, एक हीमोडायलिसिस कहलाती है और एक पेरिटोनियल डायलिसिस कहलाती है। हमारे देश में हर साल कम से कम 2 लाख से ज्यादा लोग पूर्ण रूप से गुर्दा खराब के मरीज होते हैं, क्रॉनिक किडनी डिजीज स्टेज 5 बोलते हैं। उनमें से 2 लाख मरीजों में से मुश्किल से 10 से 15% मरीजों का ही गुर्दा प्रत्यारोपण हो पाता है। ज्यादातर मरीज हीमोडायलिसिस, ब्लड की डायलिसिस में रहते हैं। हीमोडायलिसिस में मरीज को एक हाथ में फिशुला बनाना होता है, जिसमें हम निडिल लगा के एक तरफ से मशीन में गंदा ब्लड ले जाके मशीन में सफाई करके और मशीन के फिर से साफ खून मरीज के शरीर में लौटा देते हैं, इसको फिशुला बोलते हैं। जो मरीज अचानक आते हैं, जिसमें टेम्परेरी एक्सिस हमें लगानी पड़ती है, वो परमा कैथ या इंटरनल जुगलर या फिमोरल कैथेटर बोलते हैं, लेकिन बाद में मरीज को फिशुला बनवाना पड़ता है जिससे कि खून का दौड़ान हमें प्रॉपर मिल सके। हीमोडायलिसिस में मरीज को डायलिसिस के लिए दिन एक हफ्ते में 3 बार आना पड़ता है और एक बार वो डायलिसिस हम 4 घंटे के लिए करते हैं। ज्यादातर मरीज 2 से 3 बार हफ्ते में डायलिसिस कराने के साथ साथ दवाइयां खाने के साथ खून बढ़ाने का इंजेक्शन लगाते हैं हम लोग एक, जिससे उनका खून मेंटेन करते हैं और ज्यादातर पेशेंट वो ठीक ठाक इस डायलिसिस में चलते हैं। आजकल एक डायलिसिस और एडवांस आ गई, जिसको हम हीमोडायफिल्ट्रेशन बोलते हैं। ये डायलिसिस में जो मरीज बहुत पुराने मरीज हैं डायलिसिस में हैं 5 साल 6 साल और जिनको हाथ पैर में दर्द हो रहा है, माइलाडोसिस हो गई है, कई सारी बीमारियां हो गई, कमजोरी लग रही है, या जिनके हार्ट कमजोर हो गए हैं, या जो डायलिसिस अमूमन नॉर्मल डायलिसिस सहन नहीं कर पाते हैं, तो ये डायलिसिस जो हम डायलिसिस करते हैं रूटीन, उसका मॉडिफाइड एडवांस रूप है, तो हम हीमोडायफिल्ट्रेशन वाली डायलिसिस करते हैं। तो ज्यादातर पाया गया है कि 80-90% पेशेंट जो है इस डायलिसिस से उनको आराम मिलता है। तीसरी एक ब्लड की डायलिसिस है, जो हम सीरियस मरीजों में करते हैं, जो हॉस्पिटल में भर्ती मरीज रहते हैं, जिसको हम लोग कंटिन्यूअस रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी CRRT बोलते हैं। तो ये मरीज के बेड साइड डायलिसिस लगा देते हैं, जब तक मरीज सीरियस रहता है, उसका BP कम रहता है, चाहे जिस वजह से हो, इन्फेक्शन हो, हार्ट अटैक हो, कोई और कई ऑर्गन खराब हो, तो ये डायलिसिस करते हैं। एक बार मरीज की हालत जैसे जैसे सुधरती है, फिर हम रेगुलर वाली डायलिसिस, जिसको हम लोग रूटीन हीमोडायलिसिस बोलते हैं, उसमें डाल देते हैं। वो मरीज एक स्वस्थ जीवन इस डायलिसिस के साथ जीता है। और जब मरीज की डायलिसिस होती है तो उसको खाने की स्वतंत्रता रहती है, कोई परहेज नहीं रहता, और उसको बस रेगुलर एक महीने दो महीने में अपने डॉक्टर को दिखाना पड़ता है और वो घर से आ जा सकता है। खुद मरीज जो है हीमोडायलिसिस में अगर रेगुलर डायलिसिस कराता है तो खुद वो ऑफिस जा सकता है, घर से खुद गाड़ी चला कर आता है, डायलिसिस कराता है और अपने घर चला जाता है। तो ये एक उन मरीजों का इलाज है जिनके गुर्दे पूर्ण रूप से खराब हो गए हैं, और ये ज्यादातर हर छोटे छोटे शहरों एवं छोटे छोटे कस्बों में भी आजकल उपलब्ध है। और इसमें डायलिसिस टेक्नीशियन होते हैं जो ट्रेंड होते हैं और एक फिजिशियन के सुपरविजन में इसको कर सकते हैं। थैंक यू।